हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mahindraguru.com में द ब्रह्मास फॉर सक्सेस। mahindraguru.com जो आपकी कामयाबी का सबसे अहम जरिया है। आज हम इस वीडियो क्लास के जरिए आपके साथ डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि वर्ब और टेंस पर आधारित है। चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू होती है सबसे पहले वर्ब से। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किस शब्द को कहते हैं, वर्ब का काम क्या है, वर्ब किस लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ब एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसे आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं किसी भी एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहते हैं। किसी भी क्रिया को कि जो करने वाला हो बस वही एक्शन आपका वर्ब कहलाता है। वर्ब आपका एक ऐसा शब्द है, एक ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है कि जो किसी भी सेंटेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और हर सेंटेंस में वर्ब की जरूरत होती है। आप ये जान लीजिए कि वर्ब के ही माध्यम से हम एक्शन के ही माध्यम से हम ये बात तय करते हैं कि कब वो गुजरे हुए समय में हुआ, कब मौजूदा समय में और कब फ्यूचर टेंस में। यानी टेंस को अगर डिफाइन करना है तो जिन शब्दों की हमें जरूरत होती है वो शब्द वर्ब ही होते हैं। तो अब हम वर्ब के बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं टेंस पे। अब ये टेंस क्या है? टेंस वो है कि जो वर्ब के माध्यम से ये बताता है कि एक्शन के होने का समय क्या है। अगर आपका एक्शन गुजरे हुए समय में हुआ तो वो आपका गुजरा हुआ पास्ट टेंस कहलाएगा। अगर आपका वही एक्शन मौजूदा समय में हुआ तो आपका वही एक्शन प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, और अगर आपका वही एक्शन आने वाले समय में होगा तो वही एक्शन आपका फ्यूचर टेंस कहलाएगा। और बस वर्ब के ही माध्यम से हम ये चीज तय कर पाते हैं, इस बात को डिफाइन कर पाते हैं कि हमारा होने वाला एक्शन समय के किस हिस्से में हो रहा है, गुजरे हुए हिस्से में हुआ है, मौजूदा समय में हुआ है या फिर वो आने वाले समय में होगा। तो अब हम इसी पर शॉर्ट ट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे कि एग्जामिनेशन में हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे वर्ब और टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन और प्रश्नों को, सवालों को आसानी से हल कर सकते। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेजेंट टेंस एक ऐसे टेंस को कहते हैं कि मौजूदा समय में होने वाला एक्शन जिस काल में होता है वही काल आपका वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वही एक्शन वर्ड अगर आपका गुजरे हुए समय में हुआ है तो वो आपका पास्ट टेंस कहलाता है, और अगर वही एक्शन वर्ड आपका आने वाले समय में होगा तो फिर वही आपका फ्यूचर टेंस को निर्धारित करेगा। अब आ जाइए हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि टेंस पर बेस्ड वर्ब के माध्यम से किस किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे आधारित है। सब्जेक्ट आपके जनरली आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जिसको यहां पर और अच्छे से डिफाइन किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो ग्रामर ये कहती है कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके लिए आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब आप एग्जाम्पल पर देखिए, इसी रूल पर आपके दिए हुए एग्जाम्पल आधारित है। पहला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है ही प्लेस क्रिकेट। अब आप जैसा कि देख रहे हैं यहां पर प्लेस का इस्तेमाल हुआ। प्लेस जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है, वो इसलिए क्योंकि आपके जितने भी वर्ब होते हैं जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, जिसे हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, वो सब के सब जनरली प्लूरल वर्ब होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्ले, गो, कम, राइट, ये सब के सब आपके मेन वर्ब हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जब हम अपने रूट फॉर्म यानी मेन वर्ब में एस और एस लगाते हैं तब वो जाकर सिंगुलर वर्ब बनता है।
अब जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है ही प्लेस करके, तो यहां सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आने वाला सब्जेक्ट ही सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब पे काम करेगा, और सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल वर्ब पे काम करेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे, स्ट्रक्चर नंबर टू, बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जी हाँ, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे अच्छी पहचान यह है कि जब भी इस टेंस का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उस एग्जाम्पल में आपको आईएनजी की फॉर्म जरूर मिलेगी। जी हाँ, इम्परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान यही है। अब हम बात चूंकि कर रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके साथ मेन वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते भी हैं, कि वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ, इसका इस्तेमाल आपको जनरली प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस के किसी भी टेंस में मिलेगा। अब जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, अब सारे सेंटेंसेस में हम इज एम आर तो लगा नहीं देंगे कि एक ही एग्जांपल लिया और उसी में इज भी है, उसी में आर भी है, उसी में एम भी है। इसका मतलब यह है कि जिस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा होगा वो किसी खास वजह से हो रहा होगा, और उस वजह को हमें देखना है और सीखना है। जिस सेंटेंस में एम का इस्तेमाल हो रहा होगा वो किसी खास वजह से हो रहा होगा, उस वजह को हमें देखना है और सीखना है, और इसी तरह से आर को। तो अब हम यहां पर जरा देखें कि इज एम आर जो अलग अलग पार्ट ऑफ, जब अलग अलग आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रही है। अब आपके सामने पहला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, यहां इज का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग, यहां आर का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम प्लेइंग, यहां एम का एग्जांपल हुआ। आप देखें आपके सामने तीन एग्जांपल है और तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। रीजन क्या है? वजह यह है कि यहां पर इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल हो रही है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसा उसका सब्जेक्ट है वैसा ही उसका हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपके सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें इज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें आर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस आई है तो आई के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब है जो हम प्रेजेंट इंपरफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा, और अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर नंबर थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात करते हैं। परफेक्ट टेंस की सबसे आसान बात आप एक जान लीजिए जो आपको जनरली सभी रूल्स में मिलेगी, कि जब बात हम परफेक्ट टेंस पे करेंगे तो इसका मतलब हम बात पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब कि हम बात वर्ब की थर्ड फॉर्म पे करेंगे। जी हाँ, इस कॉन्टिन्यूटी को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि जब भी बात हम परफेक्ट टेंस पे करते हैं तो उसका जो मेन वर्ब होता है वो बिना किसी डाउट, बिना किसी शको शुबा के पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो जब हम बात करेंगे परफेक्ट की तो यानी कि हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की, यानी कि हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को जरा सा गौर से देखें। स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर हैज और हैव का इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो अब चूंकि हम जानते हैं एक ही सेंटेंस में हम दोनों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या वजह है कि हम हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे? अब आप एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल कह रहा है ही हैज प्लेड क्रिकेट, और यहां इस्तेमाल हो रहा हैज का। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है दे हैव प्लेड क्रिकेट, और यहां एग्जाम्पल हो रहा हैव का। अब यहां पे हैज आया, यहां पे हैव आया, इसकी वजह क्या है? रीजन ये है कि यहां पे इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर, और जब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज का इस्तेमाल करना है, और जब सेंटेंस में आपके दे चूंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव का इस्तेमाल करना है। इस वजह से इसके ये दोनों हेल्पिंग वर्ब काम आते हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर फोर है जो हमसे कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, प्लस टाइम, यानी ये जो टाइम है इसी टाइम के अनुसार, इसी टाइम के मुताबिक हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो चीज आप सेंटेंस में देखेंगे। सबसे पहले हम आपको यहां पे एक बहुत अच्छी सी ट्रिक डिस्कस कर दें, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर में कभी कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, वो क्या ट्रिक है, अब आप जरा गौर से देखिए। चूंकि यहां पे परफेक्ट का भी इस्तेमाल हुआ है और कॉन्टिन्यूस का भी इस्तेमाल हुआ है, और आप हमारे साथ परफेक्ट भी पढ़ के आगे आ चुके हैं और हमारे साथ कॉन्टिन्यूस को भी आप डिस्कस कर चुके हैं, और हम यहां डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने परफेक्ट का रूल अलग पढ़ा था, जैसा ऊपर दिया हुआ है, और कॉन्टिन्यूस का रूल अलग पढ़ा था उससे भी पहले, लेकिन यहां पर जो है इन दोनों ही रूल को मिलाकर बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चूंकि आप कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का रूल पढ़ चुके हैं और यहां पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ मिश्रण तो इसके स्ट्रक्चर पे होगा जो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट से लिया गया होगा। बस उसी चीज को आप अपने जहन में रखिएगा, तो ये रूल पर बेस्ड जो भी स्ट्रक्चर है आप कभी नहीं भूलेंगे। बस अब वो क्या ट्रिक है आप देखिए, यहां इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, पहले लिखा है परफेक्ट, बाद में लिखा है कॉन्टिन्यूस। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर हम एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो और उसी सेंटेंस में मेन वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप हमें बताएं कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें या पहले मेन वर्ब लिखें। अगर एक सिंपल सेंटेंस है आपका पॉजिटिव वे में, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद में मेन वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। बस अब इसी बात को आप अपने ध्यान में रखिए, यहां सेंटेंस दिया हुआ है स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, पहले क्या दिया है परफेक्ट, तो बस मान लीजिए कि चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसलिए परफेक्ट पहले दिया है, तो अब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाली इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि देखिए हैज हैव आपकी परफेक्ट में इस्तेमाल होती है, हैज और हैव यहां इस्तेमाल हो रही है, और चूंकि मेन वर्ब बाद में आता है और यहां कॉन्टिन्यूस बाद में लिखा हुआ है, तो बस आप यहां पर आप जान लीजिए कि मेन वर्ब हम किसका लेंगे, कॉन्टिन्यूस वाला मेन वर्ब लेंगे, इसी वजह से यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। इस तरह से आप इस रूल को, अच्छा विराज सोचेंगे तो भी सर ये बीन कहां से आ गया, भाई कोई तो ऐसी चीज चाहिए जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के इन दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़े, बस ये बीन ही है जो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूस के मेन वर्ब को जोड़ने का काम करता है। इस तरह से आप इसके रूल को कभी भी नहीं भूल सकते और आसानी से याद रख सकते। तो इस तरह से आपने इसके रूल को देखा, और अब हम इसके एग्जांपल पर बात करते हैं। लिखा हुआ है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव बीन। अब हैज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है आप समझ रहे हैं, और हैव क्यों आया क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहां पर आगे बात करें हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहां पर 2 आवर्स के लिए फॉर आ रहा है और मॉर्निंग के लिए सिंस आ रहा है, ये बात होती है पॉइंट ऑफ टाइम की और पीरियड ऑफ टाइम की। इस चीज को आप हमारे साथ आगे के स्लाइड में और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए भाई हम बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर आपके सामने, स्ट्रक्चर नंबर 5, जो कि बेस्ड है आपके पास्ट सिंपल पे, जिसे हम आसान लफ्जों में सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ये इसका नाम भी सिंपल पास्ट है और ये है भी बहुत सिंपल। जी हाँ, इसको समझना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि इसमें आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या हो, इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं पाया जाता। जी हाँ, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखिए तो स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तब भी सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी आपकी सेकेंड फॉर्म ही वर्ब की लगेगी। अब आप एग्जांपल को जरा सा गौर से देख लीजिए, यहां पर बात हो रही है ही से, ही प्लेड क्रिकेट, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज भी बहुत आसान लफ्जों में आप समझ सकते हैं। सिंपल पास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का के जिसपे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो इस बात के लिए आप परेशान हुए ना कि ही के साथ हम पास्ट सिंपल पास्ट में हैज लगाएं या हैड लगाएं या हैव लगाएं, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट जो है वो आपका बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होता है। बस सीधी सीधी बात ध्यान में रखिए कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, ही, चाहे प्लूरल हो, दे, या इस तरह से कितने भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपके सेंटेंस
में इसके फौरन बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, दैट्स इसके अलावा इसमें और कोई चीज नहीं है जिसमें आप परेशान हो। आप देखिए साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट वर्क विद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ काम करता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज। चलिए भाई इस रूल को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 6, जिसमें बात हो रही है पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही कहते हैं, और जहां हम इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं वहां बिना किसी डाउट के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे बात करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो बस यहां पर आप इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि पास्ट इम्परफेक्ट का कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट से कुछ तो फर्क रखता होगा। उसी फर्क को समझने के लिए आप इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर से देख लें। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं शब्द वो है आपका वाज और वर। और जैसा कि आप जानते हैं हम एक ही सेंटेंस में वाज और वर का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो फिर वजह क्या है कि हम क्यों वाज और क्यों वर का इस्तेमाल करें, एक ही को ना ले लिया। वो चीज डिपेंड करती है, वो चीज आधारित होती है सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट पर। जी हाँ, यहां पर स्ट्रक्चर हमसे ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसा कि ही आप देख रहे हो, तो इसके लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज होगी, क्योंकि वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ काम करेगा, इसलिए इसके साथ वर का इस्तेमाल हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं आई सिंगुलर को ही कहते हैं, इसलिए आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपके पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है, वॉज का इस्तेमाल है इसलिए ताकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वॉज लगाएं, और वर्ब का इस्तेमाल है इसलिए ताकि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हम वर्ब लगाएं। चलिए भाई इतनी चीजें डिस्कस करने के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं, 7th स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जो कि आपके पास्ट परफेक्ट पर बेस्ड है। फिर से हम ये चीज दोहराना चाहेंगे, अपने जहन में बैठा लीजिए इस बात को कि जब हम बात परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे करेंगे तो बिना किसी डाउट के बिना किसी शको शुबा के आपको पास्ट पार्टिसिपल जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं भाई, बस इसी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अब हम चूंकि बात पास्ट परफेक्ट पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट से कुछ फर्क रखता होगा, तो उसी के बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से समझ लें। सब्जेक्ट प्लस हैड पास्ट पार्टिसिपल। देखिए सिर्फ हैड आया, अब सब्जेक्ट, अब सवाल उठता है कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या करें, प्लूरल हो तो क्या करें, तो ये स्ट्रक्चर ही आपके सामने आपके सवाल का जवाब बन के आ गया होता है। अब आप देखिए यहां पर सेंटेंस है ही हैड प्लेड क्रिकेट, और दूसरा स्ट्रक्चर है दे हैड प्लेड क्रिकेट। पहला सेंटेंस में ही का इस्तेमाल हुआ है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में दे का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो यहां पर आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड है। इसका मतलब यह है कि आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था जहां आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ये आपका पास्ट परफेक्ट है जो उससे भी ज्यादा आसान आपके लिए पड़ जाता है, क्योंकि यहां पे आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपका ये रूल आपको हमेशा याद रहे। चलिए भाई हम बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब भाई जैसा कि हम आपके साथ लास्ट स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक शॉर्ट ट्रिक बता ही चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल को याद रखना किस तरह से आसान है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हम बात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे कर रहे हैं, तो यहां पे परफेक्ट पहले दिया है, कंटीन्यूअस बाद में दिया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है बाद में मेन वर्ब आता है, तो उसी के अनुसार आप अपना हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार तय होगा, परफेक्ट के अनुसार तय होगा कि परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है। इसलिए देखिए हेड आया यहां पर देख सकते हैं आप, और बाद में कॉन्टिन्यूस दिया है और मेन वर्ब का इस्तेमाल बाद में होता है, तो हम कॉन्टिन्यूस के ही अनुसार उसका मेन वर्ब लेंगे, और कॉन्टिन्यूस का मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके अनुसार हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। और यहां पर बीन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जैसा कि आप शुरू में ही देख चुके हैं कि बीन वो शब्द है कि जो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूस के मेन वर्ब को जोड़कर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक कंप्लीट सेंस देता है, इस वजह से बीन का यहां इस्तेमाल होता है। तो हम चूंकि बात आपके साथ कर रहे हैं
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कुछ तो फर्क रखता होगा। आप उस चीज को यहां पर देख लीजिए, वो फर्क है इसके हेल्पिंग वर्ब का। वहां हम हैज बीन और हैव बीन पर काम कर रहे थे, यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ हैड है। इसलिए स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाता है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो जैसे कि यहाँ इट दिया है, सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल हो जैसा कि यहाँ पे दे दिया है, इन दोनों के ही साथ हमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसा कि एग्जाम्पल है इट हैड बीन रेनिंग, और फिर यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग चूंकि मॉर्निंग आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में हमें सिंस का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा एग्जांपल, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर देखिए फॉर टू आवर्स, टू आवर्स आपका पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का एग्जाम्पल लेते हैं और फॉर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर को देखा और आसानी से आपके जहन में बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, स्ट्रक्चर आपका बेस्ड है फ्यूचर सिंपल, जिसे हम आसान लफ्जों में सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब बात फ्यूचर की आ जाती है तो एक चीज तो आप अपने जहन में आसानी से बैठा लीजिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो शब्द आपके विल और शैल ही होते हैं। जी हाँ, जहां फ्यूचर का सेंस आ जाए वहां ये चीज तो सबसे पहले आप अपने जहन में बैठा लीजिए, विल और शैल। अब आप जैसे स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हाँ, एग्जाम्पल देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल यूज हुआ और यहाँ हेल्पिंग वर्ब शैल यूज हुआ और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। विल और शैल में कोई खासा फर्क नहीं है सिवाय इसके कि जनरली अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई या वी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो हम शैल को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर नंबर 10, फ्यूचर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को ही कॉन्टिन्यूस कहते हैं और इम्परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूस, जिसे आप उत्वातिर तौर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसके सेंटेंस में आप जानते हैं कि मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है तो फिर ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट से कुछ तो फर्क रखता होगा, तो वो फर्क इसका निर्धारित होता है इसके हेल्पिंग वर्ब के आधार पे। जी हाँ, चूंकि इम्परफेक्ट है तो फोर्थ फॉर्म तो आना ही है, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट से अलग कैसे होता है, वो इसके हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से होता है। अब आप स्ट्रक्चर को जरा गौर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर आपसे कह रहा है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, और उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जी हाँ, कॉन्टिन्यूअस के सेंस में फ्यूचर इम्परफेक्ट के टेंस में विल और शैल में विल बी यानी विल के साथ बी का यूज और शैल के साथ भी बी का यूज करके हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखते हुए फ्यूचर इम्परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसे ही परफेक्ट का नाम आए फौरन अपने जहन को आप आमादा कर लीजिए कि परफेक्ट का मतलब ही है पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज कभी नहीं बदलेगी। अब बात चूंकि हम फ्यूचर परफेक्ट की कर रहे हैं तो फिर ये किसी ना किसी पॉइंट से प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट से फर्क रखता होगा और वो फर्क निर्धारित होता है जैसा कि हमने आपको बताया इसी के हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। अब यहां पर आपका स्ट्रक्चर आपसे कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हो लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हैव का लिखा जाना जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट के केस में हैव का इस्तेमाल या हैड का इस्तेमाल, लेकिन हम बात फ्यूचर परफेक्ट की कर रहे हैं इसलिए विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल आपसे कह रहा है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल हैव किसका हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट का, और उसके बाद पीरियड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें स्ट्रक्चर आपका बहुत आसान हो जाता है, सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो जैसा कि ही दिया है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो चाहे जैसा कि दे दिया है, लेकिन इस पे विल हैव या शैल हैव पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो शैल हैव का इस्तेमाल जनरली हम उस केस में करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा आई या वी के रूप में इस्तेमाल। अब आगे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो कि स्ट्रक्चर नंबर 12 है, टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप पढ़ते चले आ रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है वही ट्रिक आपके यहाँ भी काम आएगी, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पहले परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का ले लीजिए, बाद में कॉन्टिन्यूस है इसलिए मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस का ले लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से काम भी हो रहा है, शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल हुआ परफेक्ट के अनुसार, उसका हेल्पिंग वर्ब लिया, कॉन्टिन्यूस बाद में है इसलिए बाद में मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस के अनुसार ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ने का काम बीन कर रहा है इसलिए ये रूल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रॉम या फॉर का इस्तेमाल टाइम के लिए। अब आप यहां पर एक बात बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए और अपने जहन में बैठा लीजिए, वो ये कि यहां पर इस स्ट्रक्चर में सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, जहां पर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा, जहां पे सिंस का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि सिंस का इस्तेमाल उस केस में करते हैं जब हम बात किसी निश्चित रूप से कर रहे हो, और यहां हम बात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे कर रहे हैं और फ्यूचर के सेंस को हम इतनी ज्यादा निश्चित रूप से नहीं बता सकते जितना कि प्रेजेंट और पास्ट का गुजरा है या चल रहा है, इसलिए यहां पर हम अनिश्चितता को दर्शाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप और से देख सकते हैं, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए यहां पे फ्रॉम मॉर्निंग का इस्तेमाल हुआ जबकि सिंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, जो चीज निश्चित रूप से हुई होती है। यहां पे अनिश्चितताएं ज्यादा दर्शाई जाती हैं, इसलिए फ्यूचर के सेंस में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जैसा कि बात की गई है ऐसा आगे चल के हो भी पाएगा या नहीं, इसलिए यहां पर हम सेंस के ही सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर के लिए कोई दुविधा नहीं है, फॉर का रूल ऐसे ही काम करता है जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आपने हमारे साथ ये देखा। अब आ जाते हैं हम कुछ मिसलेनियस पे। जैसा कि आपके सामने एक स्लाइड है और इसमें कुछ अहम शब्दों पर बात की गई है, और इन शब्दों के बारे में ये खास बात बताई गई है कि जब इन शब्दों का, जैसे आप देख रहे हैं, सी, स्मेल, फील, हेयर, नोटिस, रिकग्नाइज, थिंक, एग्री, बिलीव, कंसीडर, रिमेंबर, होप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं तो ग्रामर हमें ये कहती है कि ऐसे शब्दों से आप टेंस की उस फॉर्म को बनाइए जो कॉन्टिन्यूअस में ना हो, और बनेगी तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। जी हाँ, इन शब्दों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर ही बनते हैं। द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, तो इसमें स्पेलिंग का यूज नहीं होगा, द फ्लावर स्मेल स्वीट का ही सेंस आएगा। इस चीज को आप याद रखें। और उसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट रूल, मिसलेनियस का नेक्स्ट रूल है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं तो यहां पर उसके एग्जाम्पल को लेकर बात को और थोड़ा विस्तार से करने की कोशिश की गई है ताकि आपके लिए चीजें आगे चल के बहुत आसान हो जाए जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो। आप देखिए, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जी हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के उदाहरण भी दिए गए हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हम किस समय में बोलते हैं, जब हम किसी निश्चित समय पर बात कर रहे हो, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून, जैसे मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे, जैसे जनवरी या फरवरी या मार्च, जैसे 2016, 2015, 2018, यानी एग्जैक्ट डे, कौन सा दिन खास तौर पे बताया जाए, कौन सा महीना खास तौर पे बताया जाए, कौन सा साल खास तौर पे बताया जाए, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के माध्यम से समझते हैं और इसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में आज पर तो बात होती है लेकिन ये नहीं पता कौन सा घंटा। पीरियड ऑफ टाइम में डेज पर तो बात होती है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से डे पर बात करें, मंडे है या ट्यूजडे है या वेंसडे। इसी तरह से मंथ में तो बात होती है लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा महीना है, जनवरी है या फरवरी है या मार्च, इसी तरह से साल। तो यह चीज आपकी पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाती है और पीरियड ऑफ टाइम पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, यहां पर बात की जा रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे मॉर्निंग दिया गया है और मॉर्निंग आपका पॉइंट ऑफ टाइम में काम करता है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम में काम करेगा तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे कहता है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर टू आवर्स। फॉर का इस्तेमाल हुआ टू आवर्स के लिए फॉर का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में आ गया। ये तो पता है कि दो घंटे की बात है लेकिन वो कौन से दो घंटे हैं ये चीज निर्धारित नहीं है, इसलिए यहां पे फॉर का इस्तेमाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट टू आवर्स। अभी आप यहां पर देखिए किस सिंस का इस्तेमाल हुआ। अब आप कहेंगे सर, अभी अभी यहां पर चीजें डिस्कस हुई थी कि टू आवर्स चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, तो फिर यहां पे सिंस क्यों आ गया,
जहां पर सिंसाने की वजह है। आप याद रखिए कि जब भी कभी पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट शब्द का इस्तेमाल हो जाए या फिर पास्ट शब्द का इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जो मायने लास्ट के हैं वही मायने पास्ट के भी हैं, दोनों समान अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए याद रखिए, जब भी कभी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट या पास्ट का एग्जाम्पल यूज किया जाए तो आपको सिंस लगाना ही अनिवार्य है, सिंस का ही इस्तेमाल होगा। और इसी के साथ साथ याद रखिए कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर द लास्ट या द पास्ट का इस्तेमाल हो जाए तो फॉर वापस आ जाता है, फॉर का ही इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप इन एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं और ग्रामर में आने वाले सेंटेंसेस आपके एग्जाम में कॉमन एरर के माध्यम से जो पूछे जाते हैं उसमें आपको ये चीजें बहुत आसान तरह से याद रहेंगी और आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रूल नंबर 7 है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। ऑल डे, अब यहां क्या लगा है, सिंस या फॉर कुछ नहीं लगा है भाई। इसका मतलब है कि ऑल डे में किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ना सिंस का होता है ना फॉर का होता है। बिल्कुल इस स्लाइड को आप रट डालिए, याद कर लीजिए, इन्हीं उदाहरण के माध्यम से आप याद कर लीजिए तो आपको चीजें एकदम जहन में आपके महफूज हो जाएंगी। बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से, सिंस के साथ मॉर्निंग में सिंस का इस्तेमाल, 2 आवर्स में फॉर का इस्तेमाल, लेकिन लास्ट लग जाए तो सिंस आ जाता है और अगर द लास्ट लग जाए तो आ जाता है। पास्ट चूंकि लास्ट के मायने रखता है इसलिए सिंस आ जाता है, द पास्ट आपका फॉर लेता है और ऑल डे के केस में हम किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से ये मिसलेनियस की एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर दिया गया है जो कि मिसलेनियस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर आधारित है। जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है, सेंटेंस आपसे ये कह रहा है, देखिए यहां पर एग्जाम्पल पहला है आई हैव सीन अ फिल्म लास्ट नाइट, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा आई हैड सीन अ फिल्म लास्ट नाइट और तीसरा एग्जाम्पल कह रहा आई सॉ अ फिल्म लास्ट नाइट। ये तीनों ही एग्जाम्पल अगर आप देखिए सेंटेंस में, तीनों ही सेंटेंसेस से आपके बात को कहने के मायने और मफहूम तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली बात करिए तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ग्रामर ये कहती है कि अगर आपके दिए हुए सेंटेंस में लास्ट नाइट का इस्तेमाल हो, यानी कि दिए हुए शब्द में लास्ट नाइट, लास्ट डे या 2 डेज अगो या 2 डेज अर्लियर इस तरह से शब्द में इस्तेमाल हो तो वो सेंटेंस आपका कभी भी परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे फ्रेम नहीं किया जा सकता है। उसे हमेशा और हमेशा हम सिंपल पास्ट पर ही फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस ये चीज आप अपने जहन में रखिए कि जहां लास्ट नाइट का इस्तेमाल होगा या 2 डेज अगो का इस्तेमाल होगा वहां आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, यानी आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट पे आधारित नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिंपल पास्ट पे आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से आपने हमारे साथ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स को सीखा और आप हमारे mahindraguru.com के माध्यम से इसी तरह से ट्रिक्स और टिप्स और स्पेशल वीडियोस का आनंद ले सकते हैं और वो सारी चीजें सीख सकते हैं जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपके लिए मददगार साबित होगी। और आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा लिंक आपके सामने है www.youtube.com/c/mahindraguruvideos। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आपकी ही कामयाबी में हमारी कामयाबी है। धन्यवाद।